हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ड्रग एक्टिंग ऑन यूट्रस, यानी कि वो ड्रग जो कि हमारे यूट्रस पे काम करेगी। यूट्रस सबको पता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बहुत इसेंशियल आपका पार्ट है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि आपका अगर जो फीमेल ओवम है, अगर मेल स्पर्म से आपका फ्यूज होता है, फर्टिलाइज हो जाता है और जो जायगॉट फॉर्म अगर होता है तो उसका फाइनली जो इम्प्लांटेशन होता है वो यूट्रस में ही होता है और वहीं यूट्रस में ही क्या होता है आपका बेबी की ग्रोथ होती है। ठीक है, जो फीटस है वो ग्रो करता है और फाइनली हमें पता है कि जैसे ही आपके ट्राइमेस्टर पीरियड खत्म होता है, वैसे आपका नेचुरल जो है आपका नॉर्मल है वो क्या है, आपका 9 मंथ पीरियड होता है। इन सम केसेस पीरियड थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। ठीक हो गया, तो जब ये पीरियड पूरा कंप्लीट हो जाता है तो उस टाइम पे क्या होता है आपका एकदम से यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं। किसकी वजह से होते हैं, जो हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन रिलीज हो रहा है ऑक्सीटोसिन, उसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो रहे हैं। तो अगर कॉन्ट्रैक्शन आपका क्या है, अगर नेचुरली आपके अच्छे कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं तो आपकी डिलीवरी वैसे ही हो जाएगी। लेकिन बाहर से जब हम असिस्टेंस देते हैं ताकि क्या हो, आपका जो कॉन्ट्रैक्शन है वो बहुत फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन हो और डिलीवरी आसानी से हो जाए, तो वो सारी ड्रग जो है वो किस कैटेगरी में आती है, यूट्रस स्टिमुलेंट की कैटेगरी में आती है। यानी कि ये सारी ड्रग यूट्रस में जाके क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्शन करेंगी। ठीक हो गया, दूसरी कैटेगरी क्या है, यूट्रस रिलैक्सेंट। ये वो ड्रग है आपकी जो क्या करती है, यूट्रस को रिलैक्स करने वाली है। अब यूट्रस को रिलैक्स करने की जरूरत किन केसेस में पड़ती है, बहुत सी फीमेल ऐसी होती हैं जिनमें क्या होता है आपका मिसकैरेज बहुत ज्यादा आपका उसके चांसेस रहते हैं, बेबी अबॉर्ट हो जाता है ना टाइम से पहले, तो उस चीज को रोकने के लिए, क्योंकि अगर क्या होगा, जो कॉन्ट्रैक्शन होने चाहिए वो कब होने चाहिए, जब पूरे ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो रहे हैं एट द टाइम ऑफ डिलीवरी वो कॉन्ट्रैक्शन होने चाहिए। लेकिन कुछ फीमेल्स में क्या होता है आपका जो कॉन्ट्रैक्शन है वो स्टार्टिंग 2 मंथ 3 मंथ 1 मंथ ऐसे पीरियड में होने लगता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो बेबी है वो अबॉर्ट हो जाएगा ऑब्वियसली, है ना। तो उस चीज को रोकने के लिए, यानी कि अबॉर्शन, मिसकैरेज, इन चीजों को रोकने के लिए, या फिर पोस्टपार्टम जो हेमरेज है उसे रोकने के लिए, क्योंकि बहुत टाइम क्या होता है, देखो डिलीवरी हो गई, डिलीवरी के बाद भी अगर यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होता है आपका ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उस चीज को रोकने के लिए भी हम क्या करते हैं, यूट्रस रिलैक्सेंट देते हैं। ठीक है, जैसे पोस्टपार्टम हेमरेज बोलते हैं, ठीक है, आफ्टर डिलीवरी जो ब्लीडिंग हो रही है। तो ये तो आपका कि दोनों के यूजेस क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम नेचुरल हम फिजियोलॉजी अपनी बॉडी की समझ लेते हैं कि बॉडी में एग्जैक्टली जो हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हम बोल रहे हैं जो हार्मोन ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है वो किस तरीके से हेल्प करता है, ठीक है, किस तरीके से वो कॉन्ट्रैक्शन कराता है, उस प्रोसेस को समझना जरूरी है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम की और उसी सिस्टम के तहत हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन भी आते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो देखो जो ऑक्सीटोसिन है वो किस तरीके से रिलीज होगा और किस तरीके से अपने टारगेट ऑर्गन में जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान में रखिएगा कि जो ऑक्सीटोसिन है उसके दो टारगेट हैं, कौन कौन सा, एक तो ये यूट्रस है और दूसरा क्या है, फीमेल ब्रेस्ट। ओके, तो ये दो टारगेट आपके पास है। अब हम देखेंगे कि दोनों में ही, ठीक है, चाहे यूट्रस हो चाहे ब्रेस्ट हो, दोनों में आपका ऑक्सीटोसिन किस तरीके से वर्क करता है और क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, तभी जाके फिर हम इसके एनालॉग्स की बात करेंगे कि भाई ऑक्सीटोसिन के अलावा और कौन कौन से हमारे स्टिमुलेंट हैं और रिलैक्सेंट क्या करेंगे बेसिकली। ठीक हो गया, तो चलिए सबसे पहले हम इसी को फिजियोलॉजी को समझ लेते हैं। तो ये क्या है आपका, यूट्रस है। ठीक है, यूट्रस के अंदर देखो ये बेबी है। ठीक, यूट्रस की सबसे पहली खास बात क्या है कि इसके लेयर्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। सबसे इनर मोस्ट लेयर क्या होती है, एंडोमेट्रियम। ठीक है, बीच में कौन सी है, जो जिसमें आपको रेड कलर की सेल्स दिखाई दे रही हैं। ठीक है, ये आपकी क्या है, मसल सेल है। इसको, ये लेयर को क्या बोलते हैं हम, मायोमेट्रियम, जो कि मस्कुलर होती है। ठीक है, और सबसे आउटर मोस्ट क्या होती है हमारी, पेरीमेट्रियम। तो ये तीन लेयर है यूट्रस की और सबको पता है जब आपका ये हमारे क्या है, ये ओवरीज है। ठीक है, दोनों साइड ओवरी जब भी ओवम रिलीज करता है तो ये फेलोपियन ट्यूब क्या करती है, उस ओवम को कैच कर लेती है और इस तरीके से फेलोपियन ट्यूब में ये ओवम क्या करता है आपका, ट्रैवल करता है। ठीक है, और ट्रैवल करता हुआ अगर ये स्पर्म से फ्यूज हो गया, जो कि कहां से एंटर हुए हैं, ये वजाइनल ट्रैक है,
वजाइनल ट्रैक से जो आपका स्पर्म आए हैं अगर वो इस ओवम को फ्यूज करेंगे तो क्या होगा, जायगॉट बनेगा। फाइनली वो यूट्रस में जाके अंदर, यूट्रस की सबसे इनर मोस्ट लेयर एंडोमेट्रियम में जाके इम्प्लांट हो जाता है। पूरी प्रोसेस आपने पढ़ी है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है। आफ्टर इम्प्लांटेशन अब क्या होती है, ग्रोथ होती है और ये फाइनली फुल्ली ग्रोन बेबी यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। यानी कि ये वो टाइम आपको दिखाया जा रहा है कि जो डिलीवरी का टाइम है, ठीक है। तो होता क्या है, देखो बहुत सिंपल है, ये क्या है आपका, ये सर्विक्स पार्ट है, ठीक है। यूट्रस की ओपनिंग आपको पता है, जो माउथ होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सर्विक्स बोलते हैं। ये वजाइनल ट्रैक है पूरा, ठीक है। तो होगा क्या, देखो जब डिलीवरी का टाइम आएगा तो बेबी क्या करेगा, ये जो बेबी है ये क्या करेगा, सर्विक्स की वॉल पे प्रेशर लगाएगा। इसका हेड नीचे डाउन में रहता है आपका, चाहे दोनों ही केस हो, पोजीशन अलग अलग हो सकती है। कभी कभी बेबी ब्रीच पोजीशन में भी रहता है कि हेड ऊपर है और लेग्स नीचे है, बट मोस्टली आपका नॉर्मल डिलीवरी में आपका हेड नीचे ही रहेगा। तो होगा क्या, आपका जो ये सर्विक्स है, जब बेबी नीचे की ओर आने की कोशिश करेगा तो उससे क्या होगा, ये सर्विक्स की वॉल पे प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। तो सर्विक्स की वॉल पे प्रेशर पड़ने की वजह से, ठीक है, हमारा जो ये मायोमेट्रियम है ना, मायोमेट्रियम यूट्रस की मिडिल लेयर यहां पे भी है, ठीक है। इस मायोमेट्रियम में प्रेजेंट स्ट्रेच रिसेप्टर क्या हो जाएंगे, आपके एक्टिवेट हो जाएंगे, ध्यान में रखेंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ आपका, डिलीवरी के टाइम पे हुआ क्या, बेबी ने सर्विक्स के हेड सर्विक्स पे प्रेशर लगाया, तो उसकी वजह से क्या हुआ आपका, स्ट्रेचिंग हुई किसकी, सर्विक्स की। तो सबसे पहला पॉइंट यही है, स्ट्रेचिंग ऑफ सर्विक्स, यूट्रस का जो माउथ है, ठीक है, जिसके थ्रू बेबी वजाइनल ट्रैक के थ्रू बाहर आएगा, ठीक है। जो जैसे ही स्ट्रेचिंग होगी सर्विक्स की, तो आपके जो यूट्रस, क्योंकि सर्विक्स यूट्रस का ही पार्ट है, तो जो मायोमेट्रियम है यानी कि जो मिडिल लेयर है उसमें प्रेजेंट आपके स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। ये वो रिसेप्टर है जो स्ट्रेच के अगेंस्ट आपके क्या होते हैं, रेस्पॉन्ड करते हैं। तो जैसे ही आपका स्ट्रेचिंग हुई तो ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो गए, कहाँ पे है ये, हमारे मायोमेट्रियम में, यूट्रस की मिडिल लेयर में ये प्रेजेंट है बेसिकली स्ट्रेच रिसेप्टर। जैसे ही ये स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे, वैसे ही क्या होगा आपका, सीधे मैसेज कहाँ जाएगा, आपके हाइपोथैलेमस में जाएगा। आपको पता है ये हमारा हाइपोथैलेमस है, और ये हमारी पिट्यूटरी है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो होगा क्या, सीधे जैसे ही ये स्ट्रेचिंग हुई तो मैसेज कहाँ गया, हाइपोथैलेमस को मिला, ये हाइपोथैलेमस है। और मैंने पूरा आपको बता रखा है बेटा, जब हम लोगों ने पिट्यूटरी हार्मोन डिस्कस किया था, मैंने बताया था कि किस तरीके से पोस्टेरियर पिट्यूटरी में आपका हार्मोन रिलीज होते हैं। बेसिकली होता क्या है, हाइपोथैलेमस जो आपका न्यूरॉन होते हैं, यहाँ पे हाइपोथैलेमस और ये है आपकी पोस्टेरियर पिट्यूटरी, जहां से ऑक्सीटोसिन आपका रिलीज होगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या हुआ था, पहले भी पढ़ाया हमने, जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं उनकी सेल बॉडी कहाँ पे होती है, हमारे हाइपोथैलेमस में होती है, लाइक दिस। और इसका जो टर्मिनल होता है वो कहाँ पे होता है, हमारी पोस्टेरियर पिट्यूटरी में। तो जो हम कहते हैं ना कि पोस्टेरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन रिलीज होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, वो बनते कहाँ है एग्जैक्टली, हाइपोथैलेमस में। क्योंकि देखो ये न्यूरॉन की जो सेल बॉडी है वो कहाँ है, हाइपोथैलेमस में है। तो बनेंगे जो जो इस न्यूरॉन के अंदर जो केमिकल बनेगा, जो हार्मोन बनेगा, वो कहाँ बनेगा, हाइपोथैलेमस में। लेकिन रिलीज कहाँ पे होता है आपका, पोस्टेरियर पिट्यूटरी में, क्योंकि इसके टर्मिनल जो है वो कहाँ है, पोस्टेरियर पिट्यूटरी में। इसी टर्मिनल के अंदर आप जानते हो वेसिकल में हमारा ऑक्सीटोसिन क्या रहता है, स्टोर रहता है, और वैसोप्रेसिन भी स्टोर रहता है, ठीक हो गया। तो ये एक आपका डिफरेंस है एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टेरियर पिट्यूटरी हार्मोन में। एंटीरियर पिट्यूटरी के केस में जो हार्मोन होते हैं वो एंटीरियर पिट्यूटरी में ही बनते हैं और वहीं से रिलीज होते हैं, बट पोस्टेरियर पिट्यूटरी के केस में जो हार्मोन है वो बनते हाइपोथैलेमस में है, लेकिन रिलीज कहाँ से होते हैं, पोस्टेरियर पिट्यूटरी से। क्लियर है, ठीक है। तो हुआ क्या, देखो जैसे ही यहाँ पे हमारे जो है सर्विक्स में स्ट्रेच रिसेप्टर जैसे ही एक्टिवेट हुए मायोमेट्रियम में प्रेजेंट, मैसेज कहाँ गया, हमारे हाइपोथैलेमस को मैसेज गया। और हाइपोथैलेमस को क्या मैसेज मिला भाई, क्या मैसेज मिला कि स्ट्रेचिंग हो रही है, इसका मतलब ये क्या है, आपका डिलीवरी का टाइम है, बेबी बाहर आने की कोशिश कर रहा है। तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, फटाफट से
जो आपका क्या है इसके टर्मिनल, जो कि पोस्टेरियर पिट्यूटरी में इसके जो टर्मिनल है वहां से क्या करेगा, अपना जो पोस्टेरियर पिट्यूटरी में टर्मिनल है उससे क्या होगा आपका ऑक्सीटोसिन रिलीज हो जाएगा। तो सिंपली हाइपोथैलेमस में मैसेज गया, हाइपोथैलेमस और एक ही साथ लिख देते हैं पोस्टेरियर पिट्यूटरी, क्योंकि आपको पता है दोनों एक साथ ही काम करने वाले हैं, ठीक है। एक के अंदर हार्मोन बन रहा है, दूसरे के दूसरे से आपका रिलीज होगा। तो हाइपोथैलेमस पोस्टेरियर पिट्यूटरी के पास मैसेज गया, पता चला कि जरूरत किसकी है ऑक्सीटोसिन की, तो फटाफट पोस्टेरियर पिट्यूटरी में जो आपके टर्मिनल है नर्व टर्मिनल वहां से क्या हुआ ऑक्सीटोसिन रिलीज हो गया। यहां से ऑक्सीटोसिन क्या हुआ आपका रिलीज हो गया और कहां आ गया हमारे, ये आ गया ब्लड सर्कुलेशन में, ठीक है। इस तरीके से हमारा ब्लड सर्कुलेशन है और इसमें ऑक्सीटोसिन रिलीज होके आ गया। ना ये ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, ऑब्वियसली मैसेज कहां से गया था बेटा, मायोमेट्रियम से। जो स्ट्रेच रिसेप्टर थे वो कहां थे, मायोमेट्रियम में। तो फटाफट से क्या होगा, देखो यहीं पे मैं ओपन करके दिखा रही हूँ मायोमेट्रियम की, मैं एक सेल को ओपन करके दिखा रही हूँ आपको, ठीक है। इस तरीके से इसे मैं हटा देती हूँ, ये वो सेल है, ठीक है। एक सेल पे हम इफेक्ट देख लेते हैं, बाकियों में आप समझ जाएंगे खुद, ठीक है। तो हुआ क्या, देखो ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ, ऑक्सीटोसिन रिलीज होने के बाद मायोमेट्रियम में, ठीक है, जो सेल्स होती हैं मायोमेट्रियम में जो सेल हैं वहां पे आके क्या करेगा, ये बाइंड होगा। देखते हैं, तो ये सेल है, सपोज मैं ये एक सेल है, सेल के सरफेस में मैं यहां पे रिसेप्टर दिखा देती हूँ, ठीक है। ये किसका रिसेप्टर है, ऑक्सीटोसिन का रिसेप्टर है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन ब्लड सर्कुलेशन में आ गया था, फटाफट से आएगा ब्लड सर्कुलेशन से होता हुआ, ये अपने इन रिसेप्टर से बाइंड होगा। ये रिसेप्टर कहाँ पे है बेटा, मायोमेट्रियम के सेल सरफेस पे, ठीक है। मायोमेट्रियम की जो सेल्स हैं उनके सरफेस में ये रिसेप्टर हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीटोसिन बाइंडिंग हुई, और ध्यान में रखिएगा कि ये जो ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर होते हैं वो कौन सा पाथवे फॉलो करते हैं, IP3 डैक पाथवे। और अगर मैं IP3 डैक पाथवे कह रही हूँ तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि होगा क्या। आप जानते हो ना IP3 डैक पाथवे में क्या होता है, अगर आपको पाथवे पूरा नहीं पता है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां आप देख लीजिएगा। अल्टीमेटली क्या होगा, IP3 डैक पाथवे फॉलो करने वाले रिसेप्टर से जब भी लिगेंड बाइंड होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, सेल के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है, सबको पता है, ठीक है। और नहीं पता है तो आप लेक्चर देखिए जरूर, ठीक है, क्योंकि हर बार ये पाथवे, मैंने पहले ही बोला था कि एक बार हम सारे पाथवे समझ लेंगे और बाद में जब भी आएगा तो केवल पाथवे के नेम को मेंशन करेंगे, वही हम कर रहे हैं। तो IP3 डैक पाथवे फॉलो करने की वजह से क्या होगा, सेल के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि IP3 और डैक दोनों ही कैल्शियम के लेवल को बढ़ाने का काम करते हैं, ऑल्दो मैकेनिज्म अलग अलग होता है। अब ये कैल्शियम क्या करेगा, क्योंकि ये एक मसल फाइबर है, ठीक है, मसल सेल है, तो मसल के अंदर, वो भी स्मूथ मसल है, तो स्मूथ मसल के अंदर आपकी एक प्रोटीन होती है जिसका नाम क्या है आपका, कैमोडलिन, ठीक है। कैमोडलिन प्रोटीन के साथ ये क्या करेगा, कैल्शियम कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और जैसे ही ये कैल्शियम और कैमोडलिन प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स बनेगा तो फाइनली क्या होगा, जो मायोसिन लाइट चेन काइनेज आपका एंजाइम है वो फॉस्फोरिलेट हो जाएगा, ठीक है। उसके फॉस्फोरिलेट यानी कि उसके एक्टिवेशन की वजह से क्या होगा, मायोसिन और एक्टिन एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करेंगे और क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। पूरा फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन हमने डिटेल में देखा है कि किस तरीके से मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है। फिलहाल के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि इस ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर से बाइंडिंग की वजह से सेल के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ा, और हम जानते हैं जब भी सेल के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ता है तो क्या होता है आपका, कॉन्ट्रैक्शन ही होता है। मैकेनिज्म सबको पता है, कैल्शियम सबसे पहले सेल के अंदर प्रेजेंट प्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाती है, उस कॉम्प्लेक्स की वजह से हमारा मायोसिन लाइट चेन काइनेज जो एक एंजाइम है वो एक्टिवेट होता है, और उसके एक्टिवेशन की वजह से मायोसिन जो है वो फॉस्फोराइलेट होगी, और मायोसिन और एक्टिन जो अभी एक दूसरे से दूर दूर थी, दोनों फिलामेंट थिक और थिन फिलामेंट, वो एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करेंगे, और उनकी ग्लाइडिंग की वजह से ही कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, ये जो कॉम्प्लेक्स बना इसकी वजह से क्या हुआ आपका, या फिर जो कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी इसकी वजह से क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ, बाइंड हुआ, क्या हुआ सब समझ में आ गया। तो ये क्या हुआ आपका ऑक्सीटोसिन, नेक्स्ट क्या हुआ था, ऑक्सीटोसिन बाइंड्स विद इट्स रिसेप्टर, ठीक है, ऑन मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम में जो रिसेप्टर थे उनसे बाइंड हो गया, और आफ्टर बाइंडिंग क्या हुआ आपका, सिंपली कॉन्ट्रैक्शन हुआ।
ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्शन होगा, बहुत फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन होगा। इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा बेटा, जो सर्विक्स है, सर्विक्स का माउथ ओपन हो जाएगा, बेबी यहां से सर्विक्स से होता हुआ वेजाइनल ट्रैक से होता हुआ आपका क्या हो जाएगा, डिलीवर हो जाएगा, बाहर आ जाएगा इस वार्ड में, ठीक है। अब बात ये आती है कि अब क्या होगा, क्या ये कॉन्ट्रैक्शन होते रहते हैं, नहीं, यही तो पॉजिटिव फीडबैक है। अब क्या होगा, जैसे ही डिलीवरी हुई, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हुआ आपका, जैसे ही डिलीवरी हुई आपकी, तो उसके बाद क्या होगा आपका, अब सर्विक्स में स्ट्रेचिंग, जो सर्विक्स में स्ट्रेचिंग हो रही थी वो रुक गई, ठीक है, अब स्ट्रेचिंग होनी बंद हो गई। तो जैसे ही आपकी स्ट्रेचिंग स्टॉप होगी, वैसे ही आपका रिलीज भी क्या हो जाएगा ऑक्सीटोसिन का फ्रॉम हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी इनहिबिट हो जाएगा। समझ में आ गया, क्योंकि ऑक्सीटोसिन रिलीज किस वजह से हुआ था, क्योंकि स्ट्रेचिंग हुई थी सर्विक्स की, जिसकी वजह से स्ट्रेस रिसेप्टर एक्टिवेट हुए थे, तभी तो हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी में मैसेज गया था। अब जब स्ट्रेच, अब डिलीवरी के बाद जब सर्विक्स की वॉल में स्ट्रेचिंग होनी बंद हो जाएगी, तो सीधे सीधे ये जो कनेक्शन है ये टूट जाएगा, ठीक है, हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को मैसेज जाना बंद हो जाएगा, जो सिग्नल जा रहे हैं वो रुक जाएंगे और फिर ऑक्सीटोसिन रिलीज रुक जाएगा। समझ में आ रहा है, यही प्रोसेस होती है, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो बात थी यूट्रस में, ठीक है, क्या रोल है, सबको समझ में आ गया कि ऑक्सीटोसिन कितना इंपॉर्टेंट है, कितना अच्छा यूट्रस स्टिमुलेंट है, क्योंकि उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक हो गया। अभी हम और भी देखेंगे कि ऑक्सीटोसिन के अलावा और कौन कौन सी ड्रग्स ऐसी हो सकती है जो आपका यूट्रस स्टिमुलेंट की तरह काम कर सकती है, ठीक हो गया। अभी फिलहाल बात करते हैं हम सेकेंड इफेक्ट की। ऑक्सीटोसिन का फर्स्ट टारगेट देख लिया सबने, ठीक है, अब हम सेकेंड टारगेट पे फोकस करने वाले हैं, वो क्या है आपका, ब्रेस्ट, ठीक है। ब्रेस्ट में ये क्या करता है ये हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो बहुत सिंपल है, सेम वही पाथवे यहाँ पे भी फॉलो होगा, लेकिन थोड़ा सा पहले स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, ठीक है। ब्रेस्ट के केस में अगर देखा जाए तो ये जो फ्रंट में आपको पोर्शन दिख रहा है जो डार्क कलर है, वो क्या है आपका, एरियोला, ठीक है, ठीक है। सेंटर में निप्पल रहेंगे ऑब्वियसली, ये क्या है आपका, लैक्टिफेरस डक्ट, शॉर्ट में ही बता रही हूं मैं, ठीक है, लैक्टिफेरस डक्ट है। सबसे पहले ये लैक्टिफेरस साइनस है ऑब्वियसली, ठीक है, जहां पे सारे एक साथ इकट्ठी हुई है डक्ट, ये लैक्टिफेरस डक्ट है, ठीक है, ये साइनस है स्टार्टिंग का। ये आपके क्या है, जो आपको एल्वियोलाई टाइप के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये एल्वियोलर सेल है, ब्रेस्ट में भी हमारी एल्वियोलर सेल प्रेजेंट होती है, ठीक है। ग्रीन कलर की जो अदर सेल आपको दिखाई दे रही है, ये कौन सी सेल है आपकी, मायो एपिथीलियल सेल, ओके, मायो एपिथीलियल सेल्स। तो ये कुछ बहुत आपको पता होना चाहिए, और आपको पता है ब्रेस्ट में बाकी क्या रहता है, फैट बहुत ज्यादा स्टोर रहता है, ठीक है। तो ये आपके स्ट्रक्चर है। अब हम देखते हैं कि ऑक्सीटोसिन बेसिकली क्या करता है। तो होता क्या है, देखो ये जो एल्वियोलर सेल आपको दिख रही है ना, ये जो एल्वियोलर सेल है, इनके अंदर क्या रहता है, मिल्क स्टोर रहता है, ठीक है, इस तरीके से मिल्क स्टोर रहेगा। ये किसकी बात हो रही है, मदर की बात हो रही है, प्रेग्नेंट लेडी की बात हो रही है, ठीक है। ब्रेस्ट में इस तरीके से क्या होगा आपका, मिल्क स्टोर रहता है, किसकी हेल्प, किसकी वजह से रहता है आपका, प्रोलैक्टिन, सबको पता है, ठीक है। प्रोलैक्टिन आपका क्या है, एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने वाला हार्मोन है जो मिल्क फॉर्मेशन करता है, ठीक हो गया। तो मिल्क फॉर्म तो हो चुका है, एल्वियोलर सेल के अंदर है। अब ऑक्सीटोसिन क्या करता है ये हम देखते हैं। तो होता क्या है, जो ये आपको मायो एपिथीलियल सेल्स दिख रही है ना, पूरी तरीके से ये ब्रेस्ट में रहती है, ठीक है। तो अब क्या होता है आपका, देखो इन्हीं सेल्स को मैं ओपन करके दिखा देती हूँ, ठीक, एक सेल को ओपन कर लेते हैं फटाफट से। ये वो सेल है, ठीक, ये मायो एपिथीलियल सेल है। मायो एपिथीलियल सेल के सरफेस में भी आपका क्या होता है, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, किसके, ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर, ठीक है। अब बात ये आती है कि भाई ब्रेस्ट का ऑक्सीटोसिन रिलीज से क्या लेना देना है। तो होता क्या है, जब भी क्या होता है आपका, सकलिंग होती है, जो बेबी है, जब मदर ब्रेस्ट फीड कराती है, तो स्टार्टिंग में जब बेबी सकल करता है, तो उस सकलिंग की वजह से क्या होता है, एरियोला के आसपास हमारे क्या होते हैं, मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं, वो एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। इससे आपको पता चलेगा कि भाई
मिल्क फॉर्मेशन तो प्रोलैक्टिन ने कर दिया, ठीक है, ये एल्वियोलर सेल के अंदर मिल्क तो है, लेकिन इसका रिलीज कैसे होता है, ठीक है, सिक्रीशन कैसे होता है, तो होता क्या है, सबसे फर्स्ट जो आपका स्टेप होगा वो क्या होगा, सकलिंग, ठीक है, जब बेबी सकल करेगा तो ड्यूरिंग सकलिंग क्या होगा, एरियोला के आसपास आपकी कौन सी सेल्स हैं, आपकी सॉरी कौन से रिसेप्टर हैं, मिकेनो रिसेप्टर, वो एक्टिवेट होंगे, उनके एक्टिवेशन से क्या होगा, सीधे चलिए यहीं पे मैं बता देती हूँ, ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या है आपका, सकलिंग, ठीक है, जब बेबी निपल सकल करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा आपका, सीधे आपके जो एरियोला के आसपास जो मिकेनो रिसेप्टर्स हैं वो क्या हो जाएंगे आपके, एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है, मिकेनो रिसेप्टर के एक्टिवेट होते ही सेम वही होगा, मैसेज कहाँ जाएगा, हाइपोथैलेमस को जाएगा, पोस्टेरियर पिट्यूटरी को जाएगा, ठीक है, हाइपोथैलेमस पोस्टेरियर पिट्यूटरी मैसेज गया, और ये क्या करेगा उसके रेस्पॉन्स में क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन को रिलीज कर देगा, सेम जैसे पहले किया था, वहां पे स्ट्रेचिंग की वजह से हुआ था, यहाँ पे सकलिंग की वजह से हुआ है, मिकेनोरिसेप्टर यहाँ पे इन्वॉल्व है, अब ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, फटाफट आएगा, ब्लड सर्कुलेशन में आ चुका है, ऑक्सीटोसिन आया, और सेम उसी तरीके से जो आपकी ब्रेस्ट में जो ये मायोएपिथेलियल सेल्स हैं इनमें जो इसके रिसेप्टर्स हैं इनके सरफेस में उनसे बाइंड हुआ, ये ऑक्सीटोसिन बाइंड हुआ, बाइंडिंग के बाद आप जानते हो अगेन रिसेप्टर कौन सा पाथवे फॉलो करता है, IP3 डैक पाथवे फॉलो करता है, सेम वही यहाँ पे भी होगा, IP3 डैक पाथवे है तो कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा, और क्या होगा, कैल्शियम का लेवल बढ़ने की वजह से कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, जो मायोएपिथेलियल सेल्स हैं आपकी उनमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, और इन्हीं सेल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, क्योंकि ये सेल्स पूरे में है, पूरी ब्रेस्ट में है, तो जब ये सेल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो उसकी वजह से जो एल्वियोलर सेल है उस पर प्रेशर पड़ेगा, और इसके अंदर जो स्टोर्ड मिल्क है वो इस तरीके से लैक्टिफेरस डक्ट और साइनस से होता हुआ निपल्स के थ्रू क्या आ जाएगा आपका, बाहर सिक्रीट हो जाएगा, समझ में आ रहा है, ठीक है, तो ये प्रोसेस है आपकी किसकी, ऑक्सीटोसिन का एक्शन ऑन ब्रेस्ट, तो आप कह सकते हो कि जो प्रोलैक्टिन है वो मिल्क फॉर्मेशन करता है जो कि एल्वियोलर सेल के अंदर स्टोर्ड है, लेकिन जो मिल्क का इजेक्शन हो रहा है, ठीक है, इसको मिल्क ले डाउन रिफ्लेक्स भी बोलते हैं, तो जो मिल्क का इजेक्शन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है आपका, ऑक्सीटोसिन की वजह से, हालांकि जो आपका फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है इसमें, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों का, क्योंकि जो ये डक्ट है लैक्टिफेरस डक्ट है और जो ये एल्वियोलर आपको सेल्स दिख रही है इनके डेवलपमेंट का काम यही करते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो आपका ब्रेस्ट में डेवलपमेंट होता है उसके लिए एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक हो गया, तो ये सारे हॉर्मोन्स मिलके क्या कर रहे हैं आपका, मिल्क फॉर्मेशन और रिजेक्शन में हेल्प कर रहे हैं, ठीक हो गया, तो ये है आपका ऑक्सीटोसिन का इफेक्ट ऑन ब्रेस्ट एंड यूट्रस, ठीक हो गया, अब हम बात करेंगे कि भाई अब यूट्रस पे आ जाइए, ठीक है, कि हमारी जो ड्रग्स यूट्रस पे काम कर रही हैं, ड्रग एक्टिंग ऑन यूट्रस जो कि टॉपिक है आपका बेसिकली, तो अब यूट्रस में आपको बहुत सिंपल तरीके से दिखाई दे रहा है कि जो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, वो किसकी वजह से हो रहा है, नेचुरली हमारा एक हार्मोन है हमारी बॉडी में ऑक्सीटोसिन जो कि पोस्टेरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, हाइपोथैलेमस में बनता है, ये क्या करता है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन कराता है, ठीक है, अब देखते हैं कि कौन सी ऐसी ड्रग है जो इसी की तरह काम करती है, यानी कि यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन ही कराती है, और कौन सी ऐसी ड्रग है जो यूट्रस रिलैक्सेशन कराएंगी, यानी कि यूट्रस को रिलैक्स कराएगी, दोनों ही मैंने केस आपको बताए थे कि कब किस चीज की हमें जरूरत पड़ती है, तो चलिए इसे हटा देते हैं यहां से, सबसे पहले आ जाते हैं ड्रग एक्टिंग ऑन यूट्रस है ना, चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट यूट्रस स्टिमुलेंट, ये वो ड्रग है जो यूट्रस में क्या कराएंगी, कॉन्ट्रैक्शन कराएंगी, दूसरी कैटेगरी है यूट्रस रिलैक्सेंट, मेन इसकी फिजियोलॉजी ही थी, ठीक है, समझ में आना चाहिए कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, और आप जानते हो अगर रिलैक्सेशन कराना है तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं वो हम अभी डिस्कस करते चलेंगे, तो सबसे पहले स्टिमुलेंट में आते हैं, सबसे पहले स्टिमुलेंट तो आपको दिख रहा है ऑक्सीटोसिन ही है जो नेचुरली हमारी बॉडी में रिलीज होता है, बट अगर आपको बाहर से देखना है तो पिटोसिन आपका इसका डेरिवेटिव है, सिंथेटिक एनालॉग है,
जो आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन सबको पता है, ठीक है। टोसिन इसका क्या है आपका, बेसिकली ये आपका सिंथेटिक एनालॉग है जो आप बाहर से दे सकते हो अगर ऑक्सीटोसिन की कमी हो रही है। बहुत टाइम क्या होता है, बहुत सी फीमेल्स में ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए जैसे डिलीवरी का टाइम नजदीक होता है और उस टाइम पे बॉडी में कुछ ऐसी चीज हो जाए जैसे यूरिक एसिड का लेवल बढ़ना, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से लेबर इंड्यूस कराना पड़ता है। अगर नेचुरल लेबर स्टार्ट नहीं हुए हैं तो आपको लेबर इंड्यूस कराना पड़ता है सो दैट कि जो बेबी है उसे कोई हार्म ना हो इन सब आपके ब्लड लेवल में, जो आपका ब्लड केमिकल लेवल में जो चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से। तो इन दैट केस बाहर से ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगते हैं, ठीक है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा ऑक्सीटोसिन के अलावा और कौन सी ड्रग है जो आपका यूट्रस स्टिमुलेंट का काम करती है, वो है आपका एर्गोमेट्रिन। एर्गोमेट्रिन सबको पता है, एर्गोमेट्रिन का किसमें प्रेजेंट होता है, एर्गोट, ठीक है, एर्गट, जो आपने इंडोल एल्कलॉइड की कैटेगरी में आपने कोग्नोसी में पढ़ा होगा। तो एर्गट बेसिकली क्या करता है आपका, इसके अंदर ये केमिकल कंपोनेंट प्रेजेंट होता है आपका एर्गोमेट्रिन। और एर्गोमेट्रिन क्या करता है, इसके मल्टीपल इफेक्ट होते हैं, ठीक है। इसके जो टारगेट हैं ये इस पे तो काम करेगा नहीं, जैसे ऑक्सीटोसिन तो अपने रिसेप्टर से बाइंड होके कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, लेकिन एर्गोमेट्रिन के रिसेप्टर अलग होते हैं, यूट्रस में ही होते हैं। ये कौन कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, अल्फा रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, एड्रेनर्जिक जो अल्फा रिसेप्टर हैं उनसे ये बाइंड होता है। नेक्स्ट हमारे पास इसका 5HT, ठीक है, 5HT सेरोटोनिन के जो 5HT2 रिसेप्टर हैं उनसे ये बाइंड होता है, ठीक है। और डोपामिनर्जिक सिस्टम में आपका डोपामिन के जो रिसेप्टर हैं उनसे ये बाइंड होता है। और क्या कराता है, ये तीनों ही रिसेप्टर से बाइंड होके, क्योंकि ये तीनों रिसेप्टर की लोकेशन कहाँ है, हमारे यूट्रस में प्रेजेंट होते हैं, तो बाइंडिंग होगी, कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। एग्जैक्टली इनके सब टाइप्स को नहीं बताया गया है कि भाई डोपामिन का कौन सा सब टाइप है, अल्फा का कौन सा है। वैसे अल्फा का ज्यादा जो चांसेस है वो अल्फा 1 के ही है आपके। तो बेसिकली आपको ध्यान में रखना है कि एर्गोमेट्रिन ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर के साथ कोई इंटरफेरेंस नहीं देता है, इसके अलग से रिसेप्टर हैं यूट्रस में, आपको पता है रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, हमारे सारे ही रिसेप्टर यूट्रस में हैं, तो ये इनसे बाइंड होगा और कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन, एर्गोमेट्रिन, इसके अलावा एर्गट एल्कलॉइड लिख लीजिएगा, ठीक है। पीजी एनालॉग क्या होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग। मैंने आपको जब प्रोस्टाग्लैंडिन डिटेल में पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि आपके दो प्रोस्टाग्लैंडिन ऐसे हैं, कौन कौन से थे, PGE2 एंड PGF2 अल्फा, ठीक है। ये दो आइसोफॉर्म है प्रोस्टाग्लैंडिन की, ये सीधे जाती हैं अगर ये रिलीज होती है, ये यूट्रस में जाके क्या करती हैं आपका, बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन कराती हैं, इनका इफेक्ट है यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन देना। तो ये दोनों ही आइसोफॉर्म अगर हैं PGE2 PGF2 अल्फा, तो उसकी वजह से क्या होगा आपका, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होंगे, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, पीजी एनालॉग, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लास्ट जो ड्रग है, दो ड्रग इसमें है, एक है हमारे पास क्विनीन, एंटी मलेरियल में भी आती है ये, है ना, और एथैक्रिडीन, ठीक है। ये दोनों भी खुद में क्या करती हैं, ये भी यूट्रस क्या है, स्टिमुलेंट है, इनकी वजह से भी यूट्रस में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो इतनी ड्रग्स आपके दिमाग में होनी चाहिए कि इन ड्रग्स की वजह से यूट्रस क्या होगा आपका, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होंगे। अगर इन एनालॉग की बात करूं तो PGE2 में मीसोप्रोस्टल आता है, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं हम यूट्रस रिलैक्सेंट के बारे में फटाफट से, कि अब अगर यूट्रस को रिलैक्स कराना है कौन सी सिचुएशन में चाहिए कि यूट्रस रिलैक्स हो। मैंने बताया था अगर किसी भी फीमेल में आपका क्या हो रहा है, बार बार मिसकैरेज हो रहे हैं या बेबी अबॉर्ट हो जाता है, तो उस केस में क्योंकि हमें क्या करना है, यूट्रस के अंदर बेबी का रिसाइडिंग टाइम बढ़ाना है ताकि वो पूरा वो पीरियड को फॉलो कर सके, सो दैट आपकी डिलीवरी नॉर्मली आसानी से हो जाए, बेबी सर्वाइव कर सके, ठीक है। इन दैट केस हमें चाहिए होता है कि यूट्रस रिलैक्सेंट, ताकि अच्छे से यूट्रस के अंदर ही बेबी रहे पूरे फुल टर्म के लिए। तो उस कैटेगरी में जो ड्रग आती है, सबसे पहली जो ड्रग है हमारी वो क्या है आपकी, देखो, B2 रिसेप्टर एगोनिस्ट, बीटा टू किसके रिसेप्टर है, ये एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन के रिसेप्टर है, नॉर एड्रेनलिन तो बाइंड होता नहीं है बीटा टू से, ये आपका क्या है, आप बोल सकते हो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम में जो केमिकल है आपके उनके रिसेप्टर्स हैं। तो बेसिकली होता क्या है, जब मैंने आपको बताया था जब भी एड्रेनलिन बीटा टू रिसेप्टर से बाइंड होता है तो क्या होता है, यूट्रस में क्या होता है, रिलैक्सेशन होता है, बताया था ना। तो इसी का एक एनालॉग बना है बीटा टू एगोनिस्ट, जो सिंपली जाता है बॉडी में और बीटा टू रिसेप्टर पे ही काम करता है, नाम है इसका रिटोड्रिन,
ठीक है, रिटार्ड्रिन आपकी ऐसी ड्रग है जो बीटा टू रिसेप्टर पे जाएगी, उससे बाइंड होगी, एगोनिस्ट है तो यानी कि सेम एड्रेनलिन का ऐसा रेस्पॉन्स देगी, यानी कि यूट्रस रिलैक्स हो जाएगा। तो सबसे पहली ड्रग यही है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में सबको पता होगा, ये रिलैक्सेशन ही करता है। ठीक है, चाहे आप स्मूथ मसल्स में मैग्नीशियम सल्फेट का इफेक्ट देख लीजिए, रिलैक्सेशन ही होगा। नेक्स्ट है आपका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। आप जानते हो कि कैल्शियम की वजह से सेल के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ा था, उसी वजह से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था। अगर हम मेम्ब्रेन में प्रेजेंट कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक कर दें, जिनकी वजह से कैल्शियम की एंट्री अंदर होती है, अगर ये चैनल ब्लॉक हो जाएंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, कैल्शियम सेल के अंदर नहीं जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, होगा क्या, रिलैक्सेशन। और स्पेसिफिकली कौन से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज करोगे यहाँ पे, वैसो सिलेक्टिव। कार्डियो सिलेक्टिव दो होते हैं ना कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कार्डियो सिलेक्टिव जो हार्ट पे काम करते हैं और वैसो सिलेक्टिव जो ब्लड वेसल पे काम करते हैं। तो यहाँ पे हम जो देते हैं वो है निफिडिपिन। ठीक है, निफिडिपिन ये आपका हो गया कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। नेक्स्ट, अभी आपने देखा था यूट्रस स्टिमुलेंट में हमने देखा था प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग। प्रोस्टाग्लैंडिन की जो दो आइसोफॉर्म थी, PGE2 और PGF2 अल्फा, उसकी वजह से यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन हो रहे थे। तो अगर आप प्रोस्टाग्लैंडिन को बनने ही ना दे तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा ना। तो कौन सी ड्रग होती है जो प्रोस्टाग्लैंडिन को बनने नहीं देती है, कॉक्स इनहिबिटर, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, नसिट्स। ठीक है, ये नसिट्स क्या करती हैं, जिसमें आपकी आइबुप्रोफेन, एंडोमेथासिन सारी आती हैं, तो ये क्या करेंगी, आपकी प्रोस्टाग्लैंडिन को बनने ही नहीं देंगी, तो कॉन्ट्रैक्शन कहां से होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आता है आपका इथेनॉल। जो आपका इथेनॉल है यानी कि एल्कोहल है, एल्कोहल भी यूट्रस रिलैक्सेंट की तरह काम करता है, तो थोड़ा अमाउंट एल्कोहल का भी इसमें बेनिफिशियल रोल प्ले कर सकता है। और लास्ट है हमारा प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक है, प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन की जो खासियत होती है वो क्या करता है, देखो जो ये यूट्रस में आपको ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर दिख रहे हैं ना, प्रोजेस्ट्रॉन की वजह से ये जो ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर की सेंसिटिविटी होती है ना वो कम हो जाती है। यानी कि अगर ऑक्सीटोसिन आ भी रहा है तो ये रिसेप्टर ज्यादा सेंसिटिव नहीं रहेंगे, यानी कि इन रिसेप्टर की बाइंडिंग की वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था वो नहीं हो पाएगा। तो आप कह सकते हो कि प्रोजेस्ट्रॉन का मैकेनिज्म बहुत सिंपल है, ये क्या करता है, ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर की जो सेंसिटिविटी है उसे कम कर देता है या इन रिसेप्टर्स को डिसेंसिटाइज कर देता है। तो ऑक्सीटोसिन चाहे रिलीज होके कितना भी इससे बाइंड हो, इफेक्ट रिड्यूस नहीं होगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन नहीं होंगे। समझ में आ गया, ठीक है, प्रोजेस्ट्रॉन, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं हम, प्रेगनेंसी मेंटेनेंस हार्मोन। ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से यूट्रस रिलैक्स रहता है। ठीक हो गया, तो ये था ऑल अबाउट ड्रग एक्टिंग ऑन यूट्रस। यस, हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, यूट्रस रिलैक्सेंट की डिग्री में, ठीक है, एक और ड्रग को हम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, और ये बहुत टाइम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, ऑक्सीटोसिन एंटागोनिस्ट। ये वो ड्रग है जो ऑक्सीटोसिन की जगह ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाएगा। ठीक है, कौन सी ड्रग है ये, एटोरसिबेन, नाम याद रखिएगा, एटोरसिबेन। एटोरसिबेन ऑक्सीटोसिन एंटागोनिस्ट है, यानी कि जहां पे जिन रिसेप्टर से ऑक्सीटोसिन बाइंड होता है ये एटोरसिबेन जाएगा, खुद उन रिसेप्टर से बाइंड हो जाएगा, इसको बाइंड नहीं होने देगा, तो आपका कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो अब आई होप समझ में आ गया होगा, ड्रग एक्टिंग ऑन यूट्रस कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है, सबसे पहले हमने यूट्रस की पूरी फिजियोलॉजी समझ ली थी कि किस तरीके से आपका ऑक्सीटोसिन का इफेक्ट आता है। तो यहाँ पे हमने पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो हार्मोन है हमारा ऑक्सीटोसिन, उसको कवर किया, क्योंकि उसके इफेक्ट हमने दोनों में देखे, यूट्रस एज वेल एज ब्रेस्ट में। और फिर फाइनली हमने ड्रग्स को भी डिस्कस किया कि कौन सी ड्रग है जो यूट्रस पे काम करती है और किस तरीके से काम करती हैं, ये भी हमने देख लिया। ठीक है, क्या इनकी इम्प्लिकेशंस होती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।